हाँ। लिया, अच्छा टोपी ले ली है अरे वाह क्या बात है टोपी ले चुका है वो अरे चिंता मत करो तो इन महानुभावों ने टोपी ले चुके हैं और बहुत लालच दिया जा रहा है लेकिन नहीं ले मान नहीं रहे हैं हाँ वो जूस के बिना नहीं मानेंगे नमस्कार प्यारे भाई बहनों राधे राधे जय श्री कृष्णा कैसे हैं आप लोग दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे यही आशा मैं करती हूँ और आप लोगों ने हमारे एक के बाद एक वृंदावन मथुरा के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे दोस्तों आज डे टू का ये वीडियो है और अभी हम है निधिवन में जी हाँ दोस्तों दूसरे दिन हमने कहाँ घूमा क्या क्या देखा सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी तो अभी आप देख सकते हैं निधिवन का नजारा है जहाँ पर कहा जाता है कि आज भी रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आज भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मौजूद रहते हैं और यहाँ पर वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं यही कारण है कि निधिवान लोग दिन में जाते हैं और जल्द से जल्द सूर्य डूबते डूबते वहां से निकल हो जाते थोड़ा आने में जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो यही है कि वहां पर बंदर बहुत ज्यादा है और निधिवन में तो भाई पूछिए मत इतने ज्यादा बंदर आपको मिलेंगे निधिवन में बाकी बिहारी में इन स्थानों पर तो आप मोबाइल चश्मे इन चीजों को बहुत बचा कर रखिएगा यही रीजन है कि हमने निधिवन में बहुत कम वीडियो बना पाए क्योंकि यहां बंदरों को तो पूछिए मत हर जगह बंदर बिल्कुल टकटकी लगाकर देखते हैं कि कब आप मोबाइल निकाले और कब वो आपसे छीन करके लेके चले जाए लेकिन जो सबसे प्यारी बात है ना वृंदावन की वो यही है कि वहां के किस भी मंदिर में जाएंगे आपको नाचना आता हो या ना आता हो आप जाते ही झूमने लगेंगे यकीन मानिए दोस्तों इतना अच्छा इतना प्यारा लगता है कि ऐसा लगता है वहां जाते ही बस राधे कृष्ण के नाम पर हम ना झूमते रहे बहुत बहुत आनंद आता है प्यारे मित्रों यहाँ पर हम लोगों ने निधिवन में बहुत देर तक समय बिताया बहुत आनंद किया आरती देखी वहां की भजन कीर्तन किया और उसके बाद आ गए वाके बिहारी के दरबार में और यहां बहुत अच्छी बात रही कि हम पूरे दो घंटे पहले आ गए यहां पर भी आप देख सकते हैं कोई नहीं है दरबार पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर साफ सफाई चल रही है तो बहुत अच्छी बात रही दोस्तों की अगर आप पहले आ जाते हो यहाँ की चौखट पे ना तो ये मानिए आनंद ही आनंद है दो घंटे कब बीत गए मैं पता ही नहीं चला सबसे अच्छी बात थी कि यहां जो नए साल पर गुब्बारे सजाए गए थे उन गुब्बारों को कम किया जा रहा था तो बहुत ही भारी मात्रा में गुब्बारे यहाँ से निकाले जा रहे थे और जो यहाँ पर सफाई करने वाले भैया लोग थे वो इन गुब्बारों को फोड़ फोड़ के एक तरफ कर रहे थे क्योंकि इतने ज्यादा गुब्बारे रोड पे तो फेंक नहीं सकते तो हमने कहा भाई ये तो बड़ी ही अच्छी बात है कि सेवा करने का मौका मिला है तो यहाँ पर हम हम लोग जितने भी साथ में थे ना सबने मिलकर गुब्बारों को फोड़ने में मदद करी ताकि हम भी इन गुब्बारों को कम कर सके क्योंकि दो घंटे बाद ही दरबार खुलने वाला था और भक्त लोग दर्शन करने वाले थे तो बहुत ही अच्छा समय हमारा व्यतीत हुआ पिछली बार जब हम आए थे तो बहुत ही जल्दबाजी में दर्शन किया था उस हिसाब से पूरे दो घंटे का समय हमने यहाँ बिताया अभी आप देख सकते हैं मैं चौखट के ठीक सामने बैठी हूँ सारी भीड़ हमारे आगे है ये बहुत सौभाग्य की बात थी कि पूरे आधे घंटे से 45 मिनट तक इसी चौखट के सामने बैठकर हम लोगों ने राधे राधे का भजन किया और उसके बाद लीजिए दोस्तों आगे हम वाके बिहारी के दरबार में तो मित्रों ये है बाके बिहारी का दरबार जहां इनके एक दर्शन के लिए दुनिया पागल हुई रहती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज जो थोड़ी सी हमें अच्छी नहीं लगी वो ये कि देखिए मैं चौखट पर सबसे आगे बैठी थी, थी आप लोगों ने पहली देखा वीडियो में उसके बावजूद भी एंट्री करते यहाँ पे लाखों लोग पहले से भरे रहते हैं क्योंकि वीआईपी एंट्री हो जाती है जी हाँ दोस्तों वीआईपी एंट्री इतनी ज्यादा मात्रा में होती है और उसके बाद भी जो लोग साधारण तौर पर यहाँ आते हैं ना वो भी सौ सौ रुपए देंगे तभी उनको सामने से दर्शन करने का मौका मिलेगा वरना ये पुलिस वाले भैया उनको पहले ही रोक लेते हैं ये एक चीज यहाँ की थोड़ी सी कष्ट वाली होती है जो कम अच्छी लगती है बाकी तो आनंद ही आनंद है चारों तरफ खैर कोई नहीं कहते ना जो दिल से बिहारी के दर्शन करने दर्शन करने आए उसे जरूर मिलेंगे मैं और मेरे पति देव हम लोग दोबारा गए और ध्यान से हम लोगों ने उनके दर्शन किए बहुत आनंद आया उसके बाद एक बहुत अच्छे से पंडित जी मिल गए थे उन्होंने उनके चरणों में बाकी बिहारी के चरणों में जाकर के हमारी फूल माला चढ़ाई और वहां उनके चरणों से छुआ करके ला करके हमें माला पहनाई और यकीन माने बहुत आनंद आया ये चित्र पंडित जी की मदद से हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए और बहुत अच्छी अच्छे हमने यहाँ पे फोटो भी निकलवाई और ये मानिए कि हम लोग तीन से चार घंटे बाकी बिहारी के दरबार में पूरे रहे पहले और बाद में मिलाकर बहुत आनंद आया इसके बाद हम लोग निकल गए राधा बल्लभ के लिए जी हाँ दोस्तों जो कि बाकी बिहारी मंदिर से थोड़ी ही दूर पर है तो आप पैदल वहां पर जा सकते हो यहाँ आने के बाद हमने देखा बहुत सारी माताएं बैठ करके भजन कीर्तन कर रही थी यहाँ पर और बहुत ही मन से वो गीत गा रही थी भाई बहुत अच्छा लगता है आप वृंदावन आकर देखिए दोस्तों कहीं पर घूमने जाइए या फिर मत जाइए लेकिन वृंदावन एक बार घूमने जरूर आइए बहुत ज्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं होता है डेढ़ से दो सौ में आप भरपेट खाना यहाँ पर खा सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पर आश्रम मिल जाएंगे रुकने के लिए और नहीं भी अगर आपको मिलते हैं तो भी बहुत सारे सस्ते होटल हैं जो 500 700 800 में आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर आप एक रात रुक जाइए आप दो दिन आराम से घूम सकते हैं और दो दिन में आप बहुत सारी चीज़ें वृंदावन की जो घूम कर कवर कर सकते हैं और इस तरह से आप एक से एक दर्शन कर सकते हैं ये देखिए मेरा भाई कहाँ पर खड़ा है वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पर राधा वल्लभ के दरबार में भी भीड़ हो चुकी थी क्योंकि बाकी बिहारी दर्शन करने के बाद सब लोग यहीं पर आए थे दोनों मंदिरों के खुलने का समय जो था वो एक ही साथ था तो हम लोगों ने पहले बाकी बिहारी के दर्शन किए उसके बाद राधा वल्लमिया आ गए हैं यहाँ परंटे लोगों का भजन कीर्तन सुन करके बहुत आनंद आ रहा था और उसके बाद जैसे ही मंदिर खुला हमें बहुत ही प्यारी सी आरती देखने को मिली और साथ ही साथ यहाँ पे दर्शन करने को भी मिला आए, 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 आए। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ये कह सकते हैं हमारी किस्मत जो है इस बार बहुत अच्छी रही हर दरबार में हम तभी पहुंचे जब दरबार खुलने ही वाला था यहां राधा बल्लभ का दरबार खुलने से पहले हम पहुंच गए जैसा आपने देखा भी बाकी बिहारी के दरबार में भी हम समय से पहले ही पहुंच गए थे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर भी हम लोग राधे राधे का जब करते रहे और उसके बाद हमारे सामने दरबार खुला हमने पूरी आरती यहाँ पर की भजन कीर्तन किया और बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से आप राधा वल्लभ में दर्शन कर सकते यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा नहीं होती है तो बहुत आराम से आप दर्शन कर सकते हैं पूरा समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं और यहाँ बच्चों को भी बहुत आनंद आया क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की नहीं लगी तो बच्चों ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया और राधे राधे का नाम जपा तो भाई जब भी बाकी बिहारी दर्शन करने आए तो राधा बल्लभ बिल्कुल भी ना भूलें बगल में ये दोस्तों दस मिनट का सिर्फ रास्ता है आप पैदल जा सकते हैं तो यहाँ दर्शन करना अनिवार्य है तो ये लीजिए मित्रों राधा वल्लभ के दर्शन कर लीजिए बहुत ही किस्मत वाले हैं आप जो वीडियो देख रहे हैं और आपको डायरेक्ट यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं राधा वल्लभ के जी हाँ दोस्तों हमें तो बहुत आनंद आया था सामने से दर्शन करके क्योंकि पिछली बार हम यहाँ आए थे और दर्शन हमें नहीं मिल पाए थे उस हिसाब से इस बार हमने बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से, से सामने से पर हमारा इतना मन लग गया कि कब शाम हो गई पता ही नहीं चला शाम क्या यहाँ पर शाम के सात बज चुके हैं आरती देखते देखते और भजन कीर्तन सुनते सुनते पर पूरा अंधेरा हो गया उसके बाद यहां से निकले हम प्रेम मंदिर के लिए सबसे पहले आपको मैं पास से दर्शन करवा देती हूँ क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग दर्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे ये है हमारे राधा वल्लभ जी इनके दर्शन कीजिए हाथ जोड़िए और जो भी मांगना है दिल खोल कर मांगिए यहां से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है दोस्तों जो हमारे ईश्वर होते हैं ना वो कभी भी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते तो जो हमारे लिए बना है वो हमें अवश्य ही मिलेगा बस आपको हाथ पसार कर मांगना है तो यहां पर बहुत सारा समय बिताने के बाद हम निकल गए प्रेम मंदिर के लिए प्रेम मंदिर का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आज का वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा तो प्यारे मित्रों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे और वीडियो वृंदावन के आप देख सके और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें जय श्री कृष्ण राधे राधे